मोटर है इसके अंदर, सोप डिस्पेंसर कनेक्ट कर दिया हुआ है, इसमें शैम्पू और वाटर हमने डाल दिया हुआ है, तो सेफली गाड़ी धोने के लिए सारा सामान जो है इस बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू DIY J&K। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ओस्मोन प्रेशर वॉशर की। OSW140PW मॉडल है दोस्तों, 1700 वाट की मशीन है, 140 बार मैक्स प्रेशर है, रियल प्रेशर थोड़ा कम होता है मैक्स से। तो बात करें इस साइड की, तो यहाँ पे सारी एक्सेसरीज़ हैं, जो जो एक्सेसरीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रहे, ये एक्सेसरीज़ बॉक्स में नहीं मिलेंगी, ये डिफरेंट एक्सेसरीज़ हैं जो कंपनी अवेलेबल करवा सकती है। पैटियो क्लीनर्स हैं, ब्रशेज़ हैं, टायर ब्रशेज़ हैं, टर्बो नोज़ल, एंगुलर नोज़ल वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं प्राइस देखने में, तो 9980 यानी कि 9980 रुपये की मशीन है। बट दोस्तों अमेज़न पर काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है, तो अभी क्या प्राइस चल रही है वो जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए तो लेटेस्ट प्राइस आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं, तो मेन मेन फीचर्स मैं पढ़ देता हूँ। तो दोस्तों कॉपर मोटर है इसके अंदर, बहुत बढ़िया बात है, मैक्सिमम प्रेशर मैंने बता दिया, और LPM इसका 7 है, और इसकी होज़ पाइप जो है वो 6 मीटर की है, उसको बढ़ा भी सकते हैं आप, और IPX5 वाटर प्रूफिंग है, यानी कि मशीन जो है वाटर प्रूफ है। अगेन पिक्चर्स के थ्रू बताया हुआ है एक्सेसरीज़ जो है कैसे कनेक्ट करनी है, ये एक्सेसरीज़ बॉक्स में नहीं मिलती। तो बॉक्स में क्या क्या मिलता है यहाँ पे दिखाया हुआ है, ट्रिगर मिलेगा और वेरिएबल नोज़ल मिलेगी, डिलीवरी पाइप मिलेगी, अडाप्टर्स मिलेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो तब आप देखेंगे। तो चलिए अब जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ओस्मोन के जो प्रोडक्ट्स हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, बाहर से बन के आते हैं, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली क्वालिटी इनकी बहुत बढ़िया होती है। प्लास्टिक इनका बिल्कुल भी चीप नहीं दिखेगा, हाई क्वालिटी प्लास्टिक होता है। ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस जो है इस प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया होती है, और लुक वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स ओपन हो गया है, देखिए कुछ इस तरीके से पैकेजिंग कर रखी हुई है सारे सामान की। तो वन बाय वन सबको बाहर निकालते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वेल रिटन इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, सब कुछ इस पर लिखा हुआ है, कुछ स्क्रूज़ भी दिए हुए हैं मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ये प्रेमिंग पाइप आती है, तो डिफरेंट प्रेमिंग पाइप है। उसके बाद नेक्स्ट मिलता है हमको ये पाउच, जिसमें आपको फिल्टर मिलता है, कुछ एक्सेसरीज होल्ड करने के लिए जो हुक्स दिए हैं वो हैं, और एक अडाप्टर भी है इसमें जो प्रिमिंग साइड पे कनेक्ट होगा। नेक्स्ट मिलती है आपको ये वेरिएबल नोज़ल, तो ये गन में कनेक्ट होगी, गन इसके एक्चुअली 3 पार्ट्स में आती है। तो ये गन का पहला पार्ट यानी कि ट्रिगर, तो इसमें बीच में एक पार्ट कनेक्ट होता है और एंड में जाके आपकी नोज़ल कनेक्ट होती है। तो गन बहुत बढ़िया है, ट्रिगर काफ़ी सॉफ्ट है और लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ आती है। और दोस्तों ये है गन का सेकेंड वाला पार्ट, ये इस तरीके से यहाँ पर फिट होगा। एक्चुअल में ये लेवर अडाप्टर है, तो अगर आपके पास लेवर अडाप्टर है तो आप इसमें प्रोफेशनल वाली फोम कैनन भी फिट कर सकते हैं। ये देखिए, अब तीसरा पार्ट भी हम कनेक्ट करेंगे। इस तरह से गन जो है आपकी रेडी हो गई, काफ़ी लंबी गन है, यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी। ये है इसका सोप डिस्पेंसर, तो इसमें आप शैम्पू डालेंगे, पानी डालेंगे और ये डिस्पेंस कर देगा गाड़ी के सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेशर वॉशर की बैक साइड पे कनेक्ट होने वाला हुक है, इसमें एक्सेसरी होल्डर वगैरह भी हैं और व्हील्स हैं दो, जो मशीन की बेस में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है टर्बो नोज़ल, जो कि गन की जो वेरिएबल नोज़ल है उसको रिमूव करके हम लगाएंगे, तो ये प्रेशर को एम्प्लीफाई करेगी और क्लीनिंग जॉब्स के लिए ऑप्टिमम नोज़ल है ये। नेक्स्ट है ये 6 मीटर की हाई प्रेशर होज पाइप, जो आउटपुट साइड पर लगेगी, एक साइड पे इसके गन लगेगी, दूसरी साइड पे मशीन से कनेक्ट होगी, क्लिक टू कनेक्ट है, बहुत बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट मिलता है आपको दोस्तों ये मशीन का हैंडल, तो ये मशीन के टॉप पोर्शन पे कनेक्ट होगा और मशीन को कैरी करने के लिए यूज़ करेंगे हम इसे। अब दोस्तों बॉक्स में सिर्फ बची है मशीन, तो कुछ इस तरीके की लुक है मशीन की। तो अभी मशीन को इंस्टॉल करते हैं, इसमें जो भी हुक्स वगैरह, जो भी हैंडल्स वगैरह, व्हील्स वगैरह लगाने हैं वो लगा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ग्रैब हैंडल यानी कि कैरिंग हैंडल, तो कुछ इस तरीके से इसकी स्पेस बनी हुई है, उसमें इसको स्लाइड करना है, और उसके बाद स्क्रूज़ दिए हुए हैं, स्क्रूज़ को टाइट करके इसे परमानेंट कर देना है मशीन के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं ये दो व्हील्स, तो इनकी स्पेसेस प्रोवाइड की गई हुई दोनों साइड्स पे, तो इसके अंदर व्हील आपने प्लेस करना है और ज़ोर से पुश करना है,
और एक पुश में ये व्हील जो है परमानेंटली जो है मशीन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये व्हील जो है मशीन को मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप कैरी करके मशीन को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल बन जाती है मशीन इससे। नेक्स्ट ये एक्सेसरी है दोस्तों, ये मशीन के बैक साइड पे कनेक्ट होगी थ्रू प्रोवाइडेड स्क्रूज़। इसमें स्पेसेस दी हुई हैं तो जिनमें स्क्रूज़ लगेंगे, टाइट करेंगे तो मशीन के साथ फिट हो जाएगी। इसमें आप प्रिमिंग पाइप, होज पाइप और जो लंबी लंबी नोजल्स दी हुई हैं उनके लिए स्पेसेस दी हुई हैं, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों ये पाउच है, इस पाउच के अंदर हुक्स एंड हैंगर्स हैं जो मशीन की दोनों साइड पे कनेक्ट होंगे। एक हैंगर में आप गन को स्टोर करके रखेंगे और दूसरे हैंगर पर आप इसकी लंबी 5 मीटर की जो इलेक्ट्रिक कॉर्ड है उसको स्टोर करेंगे। यहाँ पे मशीन हमारी रेडी हो गई है, अब हम प्रिमिंग पाइप का अरेंजमेंट करते हैं। तो बैक साइड पे प्रिमिंग पाइप के लिए पोर्ट दिया हुआ है, तो इसे कवर लगा हुआ है, तो इसे कवर को ओपन कीजिए और ये ट्रांसपेरेंट वाला फिल्टर जो है यहाँ पे थ्रेड कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो प्रिमिंग पाइप है उसके एक एंड पे फिल्टर कनेक्ट कर दीजिए, अगर आपने बकेट से प्रिम करवाना है, अदरवाइज कनेक्टर कनेक्ट करके आप टैप से भी लगा सकते हैं। और प्रिमिंग पाइप पे दूसरे एंड पे ये जो क्विक कनेक्टर है प्लास्टिक वाला, ये कनेक्ट कर दीजिए और ये क्विक कनेक्टर जो है ये इस ट्रांसपेरेंट वाले फिल्टर जो हमने बैक साइड पर अटैच किया था उसमें कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप प्रिम कर पाएंगे मशीन से पानी। अब बारी आती है हाई प्रेशर होज पाइप की, तो दोस्तों ये क्लिक टू कनेक्ट है, तो ये प्रोवाइडेड होल है, इसके अंदर आप इसको प्रेस करेंगे, क्लिक की आवाज़ होगी और ये कनेक्ट हो जाएगी। और इसका दूसरा एंड जो है सेम इसी तरीके से गन में क्लिक टू कनेक्ट हो जाता है, तो गन के इस पोर्शन में आपने इसे दबाना है ज़ोर से और क्लिक की आवाज़ होगी, ये कनेक्ट हो जाएगी। बस इतना सा ही करना था। तो यहाँ पर मशीन हमारी पूरी कनेक्ट हो गई। तो पूरा इंस्टॉल होने के बाद मशीन की कुछ मैं क्लोजअप से आपको लुक दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हैंडल और ये है हमारी मशीन, पाइप वगैरह हमने कनेक्ट कर दी हुई है, गन भी कनेक्टेड है, पीछे से इसकी प्रिमिंग पाइप वगैरह भी कनेक्ट कर दी हुई है। यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही फीचर्स यहाँ पर भी आपको दिखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये एक्सेसरी होल्डर है, यहाँ पे गन्स वगैरह की जो रॉड्स हैं वो आप दोनों ही स्टोर कर सकते हैं और इनके ऊपर ही आप पाइप्स वगैरह को होल्ड कर सकते हैं। ये गन स्टोर करने के लिए एक और जगह है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का सब जगह पे प्लास्टिक यूज़ किया गया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है इस मशीन को देख के। अब इसे यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कितना मज़ा आता है इस मशीन को यूज़ करने में। दोस्तों ये हमने बकेट में पानी सप्लाई कर दिया हुआ है और यहाँ पे हम मशीन को यूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर बटन को हमने ऑन किया और मशीन जो है चालू हो गई हुई है। थोड़ा सा टाइम लगाती है मशीन पानी को सक करने में, बस विद इन 30 सेकेंड जो है पानी मशीन सक कर लेगी और दूसरे एंड से पानी जो है निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं प्रेशर, उसको अच्छा खासा प्रेशर है। अब देखिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी है, तो लेकिन जो भी डर्ट एंड डिब्री जो लगा हुआ है गाड़ी की सर्विस के साथ, वो इस प्रेशर से आराम से निकल रहा है। तो ये जो नोज़ल है ये वेरिएबल नोज़ल है, तो इसे आगे से आप रोटेट करेंगे तो फैन स्प्रेड हो जाता है, पानी एकदम स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, और दूसरी साइड पे करते हैं तो पानी एकदम पॉइंटेड हो जाता है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे स्प्रेड कर सकते हैं या टाइट कर सकते हैं, तो उसके बाद आप इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए किस तरीके से हम व्हील आर्चेस वगैरह साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम कमर्शियल यूज़ में ले रहे हैं इस मशीन को, ऑल्दो ये डोमेस्टिक मशीन है, बट आपको डेमो देने के लिए हम किसी कस्टमर की गाड़ी यहाँ पर दे रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से क्लीनिंग हो रही है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो रही है। तो अब हमने टर्बो नोज़ल कनेक्ट कर दिया एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए, तो इससे 0 डिग्री का पानी जो है वो रोटेटिंग मोशन में निकलता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट करती है नोज़ल, तो क्लीनिंग जॉब्स के लिए बहुत बढ़िया है। व्हील आर्चेस को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सरफेस क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए पानी जो है वो इतनी देर में मतलब आधी से ज़्यादा बकेट जो है वो खाली हो चुका है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की कंजम्पशन क्या है इस मशीन की। तो रिंजिंग हमने पहले कंप्लीट कर दी है, अब हमने सोप डिस्पेंसर कनेक्ट कर दिया हुआ है, इसमें शैम्पू और वाटर हमने डाल दिया हुआ है, अब इसकी सोपिंग करते हैं। दोस्तों ये प्रोफेशनल फोम कैनन नहीं है, तो प्रोफेशनल फोम कैनन वाले आपको रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये जस्ट इसलिए होती है कि आपका जो शैम्पू है, आपका जो सोप है, वो गाड़ी की सरफेस पर आ जाए और उसके बाद आप जब स्क्रबिंग करें गाड़ी की,
तो उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर लेफ्ट ओवर रह गया है तो वो गाड़ी की सरफेस को स्क्रैच ना कर सके, क्योंकि सोप या शैम्पू जो है वो ऑसम लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं गाड़ी की सरफेस के ऊपर। अगर आप प्रोफेशनल फोम कैनन कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेवर अडाप्टर खरीदना पड़ेगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसकी परफॉर्मेंस जो है नेक्स्ट टाइम किसी फ्यूचर वाले शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कनेक्ट करके इस मशीन के साथ। आज हमारे पास लेवर अडाप्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आपको सोपिंग करके ही दिखा रहे हैं डिफॉल्ट सोप डिस्पेंसर से। तो देखिए दोस्तों, हमने सोप इसी सोप डिस्पेंसर से स्प्रे की थी, अब हम इसकी स्क्रबिंग कर रहे हैं हाथ में माइक्रोफाइबर कपड़ा लेके, तो बहुत बढ़िया तरीके से जॉब हो रहा है। आपको हैंकी फैंकी फोम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, बट जो है अगर आपको गाड़ी धोना चाहते हैं सेफली, तो सेफली गाड़ी धोने के लिए सारा सामान जो है इस बॉक्स के अंदर, इस पैकेज के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों ऑल इन वन पैकेज है, पूरा का पूरा कंप्लीट कॉम्बो है, इंपोर्टेड मशीन है, आपको बहुत ही सस्ते और जेन्युइन प्राइस में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, अमेज़न का लिंक चेक कीजिए, वहाँ पे आपको अपडेटेड प्राइस मिल जाएगी। 7,000 की रेंज की ये मशीन है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड, आप इस मशीन को ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। देखिए ये गाड़ी हमने कम्प्लीटली धो दी हुई है इसी मशीन से, प्रोफेशनली हमने इस मशीन से काम किया, प्रोफेशनल वॉशिंग सेंटर में हमने इस मशीन को यूज़ करके इस गाड़ी को धोया हुआ है, और रिजल्ट्स देखिए ऑसम है, पूरा की पूरी क्लीन हो गई है गाड़ी, ऐसा नहीं लग रहा है कहीं पर भी कोई भी कमी है। और दोस्तों अगर आप ऐसी जैसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर वॉशर्स को रिव्यू करता हूं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर कमिंग टू डीआईवाई जेएनके, बाय बाय।